अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, मैंगो डिलाइट। और ये रेसिपी है मरियम परवेज़ की। और आप सबको मैं बताती चलती हूँ कि मरियम परवेज़ हमारी बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं यूट्यूब पर। तो सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगी क्योंकि उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैंने ये रेसिपी उनके हूबहू बनाने की बहुत कोशिश की है, अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो उनकी बहुत सी रेमेडीज़ मैंने घर में ट्राई की हैं, बहुत ही सच में उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो चलिए जी, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें वही ली हैं जो मरियम परवेज़ ने ली थी, बस थोड़ी कम ज़्यादा कर ली हैं। तो यहाँ पर 2 पैकेट्स मैंने मैरी बिस्किट्स के लिए हैं। और मैं यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि एक शॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और शॉपर के अंदर मैंने जो ये मैरी बिस्किट्स हैं इनको थोड़ा 2-3 टुकड़ों में मतलब तोड़ लिया। फिर उसके बाद मैंने एक बेलन लिया और इसकी मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से कूट लूँगी। आप चॉपर में भी कर सकते हैं और अगर हाथ की मदद से करना चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैंने बस यहाँ पर देसी जुगाड़ किया था। अब इन क्रश बिस्किट्स को मैं एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी और यहाँ अब 4 अदद आम थे मैं इनको कट कर लूँगी। और कट करने के बाद इनमें से हाफ मैं पेस्ट बना लूँगी और हाफ जो है ना बचा लूँगी ताकि वो गार्निशिंग के लिए काम आ जाए। तो अब यहाँ पर मैंने जूसर ले लिया है और इसके अंदर आम डाल दिए हैं और 1.5 पैकेट क्रीम डाल दी है और 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डाले है। यहाँ पर उन्होंने जेलेटिन भी यूज़ किया था तो वो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं यूज़ किया। तो बाकी सेम प्रोसेस वही किया है जो उन्होंने किया था। और यहाँ पर अब मैरी बिस्किट्स के मैं लेयर लगा दूंगी। अब इसके बाद जो हमारा बैटर था इसकी भी मैं लेयर लगा दूंगी और इसको अच्छे तरीके से फैला लूंगी। अब इसके बाद एक और मैं लेयर लगाऊंगी, वो भी बिस्किट्स की। और बिस्किट्स की लेयर लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैं बैटर की लेयर लगाऊंगी। अब इसको अच्छे तरीके से सजा लेंगे मैंगो से। सच में ये बहुत ही मज़ेदार मैंगो डिलाइट है, आप भी इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और आपको कोई भी डिज़र्ट बनाने के लिए इतनी देर तक चूल्हे के पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और गर्मियाँ आ गई हैं तो वैसे भी जो है ना चूल्हे के पास जाते हुए मैं बंदे को जो है ना कोफ्त आ रही होती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और थैंक्स टू मरियम कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की। तो अगर इसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह पाक मरियम को बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाएँ। और अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपने अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।